सब्सक्राइब करिए करियर वॉकर को और बेल आइकन को भी दबाइए ताकि लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्वागत है आपका एजुकेशन न्यूज के एक फ्रेश एपिसोड में। तो चलिए जान लेते हैं आज का लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज। देश भर में कोरोना वायरस के संक्रमण के बढ़ते मामले से जूझ रहे महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि MSBSE बोर्ड परीक्षा 10वीं और 12वीं कक्षाओं के परिणामों की घोषणा करने की तैयारी कर रही है। रिजल्ट 15 जुलाई तक घोषणा किए जाएंगे। ऐसे में परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि mahsscboard.maharashtra.gov.in लेटेस्ट अपडेट्स के लिए चेक करते रहें। अभी बोर्ड की तरफ से कुछ पुष्टि नहीं की गई है। स्टूडेंट ध्यान देखी बोर्ड ने साफ किया है कि किसी भी जानकारी के लिए केवल ऑफिशियल वेबसाइट पर ही भरोसा करें। साथ ही कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स आती है तो हम आपके लिए जरूर से लेके आएंगे। पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड यानी कि PSEB ने पंजाब स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि PSTET 2017 परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी कर दिया है। रिजल्ट ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि ssa.punjab.org पर जारी की गई है। ऐसे में PSTET 2017 परीक्षा में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट को देख सकते हैं। बता दें कि PSTET राज्य में कक्षा 8 तक की कक्षाओं में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जरूरी पात्रता परीक्षा है। वहीं अगर पंजाब शिक्षा पात्रता परीक्षा 2020 की बात करें तो इसका आयोजन 19 जनवरी 2020 को किया गया था, जबकि परीक्षा की अनुसार की पर प्राप्ति दर्ज करने की अंतिम तिथि 3 फरवरी 2020 तक थी। साथ ही आपको बता दें कि हमारे टेलीग्राम चैनल पे ऑफिशियल लिंक दी गई है। MP बोर्ड 10वीं के नतीजे में जो छात्र इस वर्ष मध्य प्रदेश ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि MPBSE 10वीं परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाए हैं, उन्हें निराश या हताश होने की जरूरत नहीं है। उनके पास पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा का विकल्प है। बता दें कि पूरक परीक्षाओं की तिथि बोर्ड द्वारा बाद में तय की जाएगी। इसके साथ ही पूरक परीक्षाओं को लेकर विस्तृत जानकारी भी जारी की जाएगी। MP बोर्ड ने कुछ वक्त पहले 10वीं का रिजल्ट जारी किया है। परीक्षा में कुल 62.84% छात्रों ने सफलता हासिल की है। वहीं कुल 25 छात्रों ने मेरिट में जगह बनाई है। वहीं अगर पिछले साल के रिजल्ट की तुलना करें तो इस साल नतीजे को बेहतर देखा गया है। पिछले साल कुल 61.32 स्टूडेंट्स ने सफलता हासिल की थी, वहीं इस बार इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। वहीं गुजरात सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड यानी कि GSHSEB ने कक्षा 12वीं की सप्लीमेंट्री पूरक परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों के लिए जरूरी खबर दी है। बोर्ड ने कक्षा 12वीं जनरल स्ट्रीम सप्लीमेंट्री परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसको लेकर बोर्ड की वेबसाइट पर एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी की गई है, जिसके अनुसार जो उम्मीदवार गुजरात बोर्ड कक्षा 12वीं परीक्षा 2020 के लिए उपस्थित हुए हैं और पूरक परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं वो ऑनलाइन आवेदन भरकर जमा कर सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके। बता दें कि गुजरात बोर्ड कक्षा 12वीं के परिणाम पूरक परीक्षा के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 जुलाई 2020 है। छात्र ऑफिशियल वेबसाइट पर दिए गए लिंक के माध्यम से पूरक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गुजरात बोर्ड कक्षा 12वीं पूरक परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने से पहले उम्मीदवार को वेबसाइट पर दिए गए निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। बता दें कि आवेदन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट gscb.org पर उपलब्ध है। दिल्ली के स्कूलों में रिमोट लर्निंग योजना शुरू की जाएगी। दिल्ली में किंडरगार्टन से लेकर 12वीं कक्षा प्लस 2 तक के छात्रों के लिए इस सोमवार से रिमोट लर्निंग प्लान की शुरुआत हो रही है। दिल्ली में शिक्षा मंत्री सह उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने इसकी घोषणा की है। बता दें कि पूर्व में की गई घोषणा के अनुसार दिल्ली में 31 जुलाई 2020 तक सभी स्कूल बंद रहेंगे। इस स्थिति में राजधानी के सभी सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त करते वाले स्कूल छात्रों की पढ़ाई का नुकसान कम करने के लिए यह योजना तैयारी की गई है। शिक्षा निर्देशालय ने शिक्षा का यह विकल्प प्लान तैयार किया है। बता दें कि रिमोट लर्निंग योजना को लॉन्च करते हुए मनीष सिसोदिया ने कहा कि स्कूल बंद है लेकिन सीखना जारी रहना चाहिए। साथ ही आप पूरी आर्टिकल हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर जाके पढ़ सकते हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय DU के उत्कृष्ट संस्थान विभाग के अधिक कौशल विस्तृत एवं उद्यमिता विकास आधारित नई केंद्र स्थापित की गई है। इस केंद्र का नाम दिल्ली स्कूल ऑफ स्किल एनहेंसमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट यानी कि DSSEED है। इसके प्रमुख DU बायोकेमिस्ट्री विभाग के प्रोफेसर विजय कुमार चौधरी होंगे। इस नए केंद्र की संचालन परिषद में कई प्रख्यात वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञ मौजूद रहेंगे। इन सभी की अध्यक्षता भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR के पूर्व महानिदेशक प्रोफेसर NK गांगुली करेंगे। इस नए केंद्र के बारे में जानकारी देते हुए DU के मीडिया कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर संजीव सिंह ने बताया कि इस नए केंद्र के अधीन छात्रों के कौशल को आगे बढ़ाने के लिए परीक्षण दिया जाएगा, उन्हें उद्यमी बनाया जाएगा जिससे वह आत्मनिर्भर भारत में अपना योगदान दे सकेंगे। इस केंद्र में जल्द ही नए ऑनलाइन सर्टिफिकेट एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की भी शुरुआत करी जाएगी। DU में दाखिले लेने वाले नए छात्र अभी प्रथम, दूसरे एवं तीसरे वर्ष की स्नातक की पढ़ाई कर रहे छात्र, PG एंड MPhil व PhD के छात्रों को भी इस नए केंद्र से जोड़ा जाएगा। साथ ही पूरी आर्टिकल अब हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर पढ़ सकते हैं। कोरोना की वजह से देश भर में बच्चे को पढ़ने के लिए डिजिटल माध्यमों का लगातार विकास की जा रही है। इनमें हर एक माध्यम की जहां अपनी खूबियां हैं, वहीं कुछ खामियां भी है। इन्हें देखते हुए IIT कानपुर ने मोबाइल मास्टर जी विकसित किया है। इससे बच्चों को पढ़ने में आसानी और सुगम हो सकेगी। इसका इस्तेमाल बच्चे स्मार्टफोन के माध्यम से कर सकेंगे। इसे IIT कानपुर के प्रोफेसर जनक राज राजकुमार, डॉक्टर अमनदीप सिंह, अनिल झा, वीरेंद्र सिंह और जितेंद्र शर्मा ने मिलकर बनाया है। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं का कहना है कि COVID-19 के शिक्षा प्रणाली विशेष रूप से शिक्षण के ठहराव ला दिया है। ग्रामीण भारत में छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हुए रहे हैं। इमरजेंसी लाइब्रेरी IIT कानपुर ने इसे देखते हुए एक सेटअप विकसित किया है। इनमें स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों द्वारा लेक्चर और निर्देश की रिकॉर्डिंग किया जा सकता है। साथ ही इसे मोबाइल में आसानी से यूज की जा सकती है और इस सेटअप को मास्टर जी नाम दी गई है। साथ ही पूरा आर्टिकल और खासियत इसकी हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप पढ़ सकते हैं। तो एजुकेशन न्यूज में इतना ही। हमें उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आई होगी। अगर वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।